अब उसको शरीफ बताने के लिए बिग बॉस में डाला है। तो बच्चियों का क्या जिनके साथ उसने गलत किया है? कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा, ये शरीफ लोग हैं। शरीफ लोग कभी शरीफों के बारे में नहीं बोलते। एजुकेटेड पीपल ऐसा है। और जो भोसड़ी वाले, याद से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जो भोसड़ी वाले हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं ना, वो भड़वो, तुम लोग सुनो अभी एक बात। एक अपना भाई यहां से हज करने के लिए चल के निकला है, बराबर है, चल के निकला है। कितना टाइम हो गया उसको, पूरा हमारा हिंदुस्तान में सबने उसका स्वागत किया, हर किसी ने उसका स्वागत किया, क्योंकि चल के जा रहा है वो, तुम्हारे तीर्थ स्थान पे चल के जा रहा है वो, इसलिए हमारे हिंदुस्तान में हर किसी ने, हर मजहब वाले ने उसका स्वागत किया। मगर वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, अभी वाघा बॉर्डर पे 15 दिन से वो इंसान खड़ा है, 15 दिन से वो इंसान खड़ा है वहाँ पे। क्यों मालूम? क्योंकि जिसको आप पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद बोलते हो ना, उन्होंने उसको वीजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है। समझा? समझा क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले भड़वो, तुम्हारी माँ का भोसड़ा, वो तुम्हारा भाई ना, उधर खड़ा है बॉर्डर पे, उसको वीजा देने को उन लोग ने इनकार किया वहां के गवर्नमेंट ने। समझा? जबकि पूरे दुनिया को मालूम है कि वो अच्छी चीज के जाला है, मगर फिर भी उसको वहां पे रुका के रखा 15 दिन। तो समझो, ये हिंदुस्तान में ही इज्जत है, पाकिस्तान वाली इज्जत नहीं है तुम्हारी, घंटा नहीं तुम्हारे को पूछते, और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते, तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम लोग की। कितने जन ने आवाज उठाए रे तुम लोग में से? वो बेचारा उधर अटक गया है, किसने आवाज उठाए रे तुम लोग में से? शर्म नहीं आती है? मादरचोद, ये बड़े बड़े नेता तुम लोग बैठे ले तुम लोग के, जो भोसड़ी वाले हर टाइम भोसड़ी वाले मजहब पे भोसड़ी वाले बोलते रहते, आज वो बच्चे के लिए, वो लड़के के लिए क्यों नहीं बोल रहे? मादरचोद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तुम्हारी माँ का भोसड़ा मारू तुम्हारी। क्या गलती किया वो आदमी? वो चल के वहां पे जा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे, तुम्हारी माँ का भोसड़ा मारू तुम्हारी, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों की, तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी। इसको बोलते हैं हिंदुस्तान। इतना करने के बावजूद भी भेड़ चो झेलते तुम लोग को, चोर साले, आवाज उठाओ ना भाई, है ना, उठाओ आवाज, मत चो दो पाकिस्तान वालों की जिन्होंने उसको रोका है। नहीं रोकी, तुम लोग की गांड में दम नहीं, फटती है तुम्हारी भेड़ चो, तुम लोग की गांड फटती है भड़वे लोग, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों की। माधरचोद, हमको बुरा लगता है, माधरचोद हमको बुरा लगता है, हम हिंदुस्तानी, हमको बुरा लगता है। एक इंसान अच्छे करने, अच्छा काम करने के लिए जा रहा है और उसको रोका जा रहा है, वो चीज का गुस्सा आता है माधरचोद। पर तुम लोग गांड दबा के बैठे भोसड़ी वालों, जहां बोलना चाहिए वहां बोलेंगे नहीं भोसड़ी वाले, वहां से इतना ही बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद भोसड़ी वाले, तुम्हारी माँ को चोरी तुम्हारी। अच्छा हो गया। और एक चीज किसी ने लिखी थी डॉग्स के बारे में, बोलो
मैं जितना भी ना, और एक बात बता, जितने भी एनिमल्स जो एनजीओ है उन लोग को बताता हूँ, आप लोग खुद का क्यों देखते रहते हैं? खुद का देखेंगे बस, खुद का देखेंगे बस, हमारे यहाँ पे ये हो रहा है, हम है, दूसरे जगह पे हो रहा है ये है, हाँ? वो जानवर जानवर होता है ना, कितने लोग ऐसे मादर छोत जो बेजुबान को मार रहे हैं, हाँ? तुम लोग जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते, कंप्लेंट नहीं कर सकते, जो बेजुबान को मार रहे आंखों से देख रहे मादर छोत, पर तुम लोग कितने बेर हैं मेरे मारने वालों, तुम्हारी माँ का फोसड़ा मारू तुम्हारी, कितने बेरहम लोग है तुम लोग यार, वो बेजुबान ने क्या बिगाड़ा है रे तुम्हारा, तुम्हारी माँ का फोसड़ा तुम्हारी क्या बिगाड़ा है, वो बेजुबान ने तुम्हारा मादर छोत, कोई इसको घासलेट डाल के चला रहा है, कोई बाम्बू से मार रहा है, और मैं उसका स्टोरी डालता है तो ये इंस्टाग्राम वाला भेड़ छोत क्या बोलता है, कुछ तो लिख के आता है कम्युनिकेशन गाइडलाइंस, आपको वार्निंग दे रहा है वो, तो ये तो यही चाहता है इसका वापस बेंच उड़ जाए, जैसा स्टोरी डालता है वैसा खत्म, मार छूट गई इसकी गांड जल जाती है। तो आप लोग सब लोग आवाज उठाओ बेजुबान के लिए यार, आवाज उठाओ, हाँ? बेजुबान ने किसका क्या बिगाड़ा, क्यों मारते हो रे, क्यों मारते हो बेजुबान को, तुम्हारे गांड में पेट्रोल डालना पड़ेगा तो तुम्हारे को समझ में आएगा कि वो बेजुबान के साथ कैसा होता होगा। साले अगर उसको रोटी खिला नहीं सकते तो उसको मारो भी मत ना रे, क्यों मारते हो उसको बेचारे को, हाँ क्यों मारते हो बेचारे को यार, उसको कितनी तकलीफ है, क्या है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई बम्बू मार रहा है, कितना चोट लगता होगा उसको, उसको ही मालूम, उसको ही दर्द मालूम यार, क्यों मारते हो छोट तुम्हारी। अब बोलो गाली देता है, गाली देता है तुम तो पूजा करो तुम लोग की, तुम्हारी माँ की छोट तुम्हारी, गलत करोगे तो पूजा करो तुम्हारी, तुम्हारी माँ का भोसड़ा मारा तुम्हारी मादर छो, और बहुत सारी बेटियों के साथ भी कुछ गलत हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तुम लोग को कितने बार बुलाए रे, जितनी भी अभी मेरी ना बहन बेटी आए ना उनको बता रहे, कितने बार बुलाए रे, तुम लोग को शर्म नहीं आती है रे तुम लोग को, हाँ तुम्हारे भाई के हाथ से लापो मांगता है तुम्हारे को, कितने बार बुलाए कि कोई अगर दिखता है ऐसा बुरी नज़र से देख रहा है, गलत करने की कोशिश करता है, देने का लापा फाट कर से आगे का देखा जाएगा मादर चो, तुम लोग मुंडी नीचे करके चले जाते काय के लिए, काय के लिए नीचे मुंडी करके चले जाते, चेहरा ऐसा लगा ना कि बुरी नजर से देख रहे, दे लापा फटाफट तीन चार खींचना मेरे तरफ से, दो ज्यादा पांच पूरा खींचना, फिर मेरे को मैसेज करेंगे भाऊ मेरे को, मैं जाती हूँ ना स्कूल तो देखो ना मुझे यहाँ पे छेड़ते, अच्छा देने का दिल होता ना कान के नीचे, तब ऐसा लगता है दू कान के नीचे, वो मैसेज में से ऐसा लगता है लाफा खींचो, खड़ा रहने का उसके सामने जाके हम ना अपन तीन चार कान के नीचे खींचने का, देख दूसरे दिन से उधर नजर भी नहीं आएगा लाड़ में, भाऊ हमारे को देखो छेड़ा छेड़ा, भाई मानते हैं ना, मारो ना बिंदास, देखते क्या करता है वो सामने वाला, भाई पे भरोसा नहीं, फिर मारो बहन छो देख लेगा, मैं माँ का पूछा उसको कोई भी नहीं, आई लव यू सबको, आई लव यू, गुस्सा हो गया था ना मैं, आई लव यू सबको, आई लव यू लोग मेरे डार्लिंग लोग, खुश रहो खुश रहो खुश रहो।
आए सर मीटिंग के लिए, देखता हूँ कौन कौन बात कर। और तुम्हारा स्मार्ट लग रहा है। ओहो पांडे जी स्मार्ट एकदम। कौन कौन आए? ओहो ये देखो कौन कौन आए। डालिंग लोग जानते नहीं लोगों, फेमस लोग एकदम, गोल्ड मैन नंबर वन। बस बस चाह देना मैं आ लो। चलो अभी मेरी मीटिंग है, चलो अभी मेरी मीटिंग है, मीटिंग करता हूँ फिर उसके बाद आई लव यू। I love you. Okay, bye bye bye. Sabko bye. I love you. Sabko.